लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई है। अदालत ने विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है और जस्टिस शाहिद करीम ने आपको बताएं कि ए के डोगर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है। यह अहम नौइयत का केस है, अदालत की जानिब से कहा गया। आवाम की वोटों से मुंतखब होने वाली हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान गैर सियासी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकिफ अपनाया गया। सियासी जमातों की जानिब से धरने का ऐलान आइन के आर्टिकल 124A के खिलाफ वर्जी है। सियासी जमातों के धरने से मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। धरने से शहरियों की जिंदगी भी मफलूज हो जाएगी और अदालत सियासी जमातों को 17 जनवरी को धरना देने से रोकने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है।